एसपी ने क्राइम मीटिंग्स में दिए कई अहम निर्देश। मई माह में 17 हथियार के साथ 482 गिरफ्तारी। आप देख रहे हैं बीएनपी न्यूज़, मैं हूँ शहजादी प्रवीण। बेगूसराय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में मुख्यालय स्थित एसपी कार्यालय में बुधवार को मासिक क्राइम मीटिंग आयोजित की गई। इस बैठक में सदर डीएसपी समेत सभी अनुमंडल पुलिस अधिकारी, सर्कल इंस्पेक्टर एवं जिले के तमाम थाना अध्यक्षों ने हिस्सा लिया। लगभग 4 घंटों तक चले क्राइम बैठक में अपराधों पर गहनता से समीक्षा की गई। इस संबंध में एसपी योगेंद्र कुमार ने बैठक की पुष्टि करते हुए बताया कि आज मई माह के क्राइम मीटिंग कार्यालय में आयोजित की गई है, जिस बैठक में जिले के सभी एसडीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर, शाखा प्रभारी एवं जिले के सभी थाना अध्यक्ष सम्मिलित हुए। एसपी ने बताया कि पिछले मई माह में जितने अपराध की घटनाएं हुई हैं उसकी घटना से समीक्षा की गई है। पुलिस अधीक्षक ने कहा, इस बैठक में उपलब्धि के बेहतर आंकड़े सामने आए हैं। आधुनिक तरीके जीपीएस के माध्यम से मई माह में पुलिस की जॉब संख्या, रात्रि गश्ती के तौर तरीकों के दौरान बड़ी सफलता मिली है। एसपी ने बताया कि संध्या एवं दीवार गश्ती के दौरान पुलिस टीम ने 17 अवैध हथियार जब्त किए, जबकि 482 लोगों की गिरफ्तारी के साथ साथ 9 किलो गांजा भी बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि इन गिरफ्तारियों में वैसे 20 अपराधी भी शामिल हैं जिन पर लूट, हत्या एवं डकैती जैसे संगीन आरोप थे, जिसे जेल भेजा गया। पुलिस मुख्यालय एवं पुलिस महानिदेशक के सख्त निर्देश पर बाजरा की टीम को जिले में गठित की गई और इस टीम के माध्यम से गंभीर मामलों में फरार चल रहे अपराधियों के खिलाफ रात्रि दबिश जारी है। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि बाजरा टीम के द्वारा मई माह में लगभग 135 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बताते चले कि आज की क्राइम बैठक को लेकर जिला पुलिस कार्यालय में अधिकारियों का हलचल तेज बना रहा। कार्यालय परिसर में मानो जैसे पुलिस छावनी में तब्दील हो गई। बेगूसराय से अवधेश कुमार की रिपोर्ट। बिहार झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। क्राइम मीटिंग पुलिस कार्यालय में आयोजित की गई थी, इसमें सभी एसटीपीओ, सर्कल इंस्पेक्टर और थाना अध्यक्ष और हमारे जितने भी शाखा प्रभारी हैं सभी इसमें सम्मिलित हुए थे। तो इसमें हम लोग हर महीने पिछले एक महीने में जो अपराध की घटनाएं हुई होती हैं, जो डिटेक्शन हुआ होता है, उसका गहनता से हम लोग एनालिसिस करते हैं और निर्देश देते हैं। तो आप लोग की सहूलियत के लिए मैंने कुछ आंकड़े कलेक्ट किए हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूँ कि पिछले महीने, ये जो मई का महीना बीता है, इसमें पुलिस की जो गश्ती होती है, संध्या दीवार रात्रि गश्ती, उसको हम लोगों ने बहुत ही टाइट किया है मॉनिटर करके, और जीपीएस से हम लोग मॉनिटरिंग कराते हैं। उसमें हम लोग को सफलता मिली है, करीब 17 अवैध हथियार पुलिस ने जब्त किए हैं इन्हीं संध्या गश्ती और दीवा गश्ती के दौरान। 27 गोलियां मिली हैं और 9 किलो एक जगह हम लोग ने गांजा भी पकड़ा था। इस पूरे महीने में 482 लोगों को जेल भेजा गया है, जिसमें से 20 अपराधी हत्या, लूट, डकैती जैसे गंभीर कांडों में जेल भेजा है पुलिस ने। वज्रा को लेकर के पुलिस मुख्यालय और पुलिस महानिदेशक सर का डायरेक्ट ऑर्डर है कि जिले में वज्रा टीम गठित की गई है और जो गंभीर मामलों में फरार अपराधी हैं उन पे रोज रात को पुलिस के द्वारा दबिश दी जाती है। तो इसमें हम लोगों ने कुल मई के महीने में 135 लोगों की गिरफ्तारी की है और ये जो 35 की गिरफ्तारी है ये अप्रैल महीना की तुलना में लगभग 75% ज़्यादा है, ज़्यादा वृद्धि है इसमें। इसके अलावा भूमि विवाद को समय पर सुलझाने के लिए सभी थानों में शनिवार को थाना दिवस किया जाता है। कुल 94 थाना दिवस का आयोजन किया गया पूरे जिले में, जिसमें लगभग 274 मामले आए थे, जिसमें लगभग 259 मामलों को पुलिस ने सॉल्व कर दिया है और बाकियों में भी जो कार्रवाई है वो लगातार चल रही है। करीब 1100 वाहनों पे पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान किया है पूरे जिले में, जिसमें लगभग 1,55,000 रुपये की राशि वसूली गई है पुलिस के द्वारा। आप लोगों को जानकारी होगी कि जिले में अभियोजन के कार्यों में तेजी लाने के लिए और स्पीडी ट्रायल को मॉनिटर करने के लिए हम लोग, मैं और डीएम साहब, महीने में 2 बार पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ बैठक करते हैं। उसका भी अच्छा फल अब हम लोग को मिलने लगा है। मई के महीने में 22 कांडों में 61 अपराधियों को सजा मिली है, जिसमें से 3 प्रमुख कांड आर्म्स एक्ट के हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि 2 वर्ष की सजा, 3 साल की सजा और 3 साल की सजा, टोटल 3 केसेस में आप देख सकते हैं 3-3 साल की सजा माननीय न्यायालय ने सुनाई है। इसके अलावा हम लोग ट्रैफिक को, जो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन के पास ट्रैफिक की समस्या बनी हुई है, उसको ठीक करने के लिए मैंने एक दिन बस स्टैंड के जो बस यूनियन के जो लोग हैं, सदस्य हैं, उनके साथ मीटिंग की थी। उसमें भी जो बिंदु आए थे उसमें भी हम लोग काम कर रहे हैं। मद निषेध पे हम लोग की कार्रवाई लगातार चल रही है। कुल 75 कांड पुलिस ने दर्ज किए हैं, जिसमें 141 लोगों को गिरफ्तार किया है और 11 वाहन भी पुलिस ने जब्त किए हैं और लगभग 513 देसी लीटर शराब बरामद की है पुलिस ने और 3,3500 लीटर विदेशी शराब पुलिस ने जब्त की है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ड्रोन का इस्तेमाल करके और दियारा क्षेत्र में एक प्लानिंग करके हम लोग ने लगभग 13,000 लीटर जो देसी महुआ और जावा होता है, जिससे ये लोग अर्धनिर्मित शराब बनाते हैं देसी, उसको पुलिस ने डिस्ट्रॉय किया है। भट्टियाँ भी इसमें डिस्ट्रॉय की है। तो कुल मिला के आप लोग देख सकते हैं कि बेगूसराय पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए जितने भी दिशाएँ हैं सब में अपना कार्य कर रही है
और इस महीने भी हम लोग ने काफ़ी सारे निर्देश अपने थाना प्रभारियों को दिए हैं और इसकी मॉनिटरिंग हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो धीरे धीरे हम लोग एक नॉर्मल पुलिसिंग से प्रोफेशनल पुलिसिंग की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें हम लोग को ठीक ठाक सफलता मिल रही है और इसमें हम लोग लगातार अपना प्रयास जारी रखेंगे।